हेलो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आई एम धर्मेंद्र सर। टुडे डिस्कस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कल आपको पढ़ाया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। फिर मैंने बताया था नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन क्या होता है। तो मैंने ये पॉइंट डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियो में। तो आज आइए हम लोग डिस्कस करते हैं सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। कल मैंने इसे रिलेटेड क्वेश्चन लिए थे, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो आज भी हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो आज हम क्वेश्चन लेते हैं कि सॉल्व द, क्वेश्चन है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो आज हम लोग सॉल्यूशन, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो आज हम लोग इस मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कल हम लोग इस मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो आज भी हम लोग इसी मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो आइए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन नंबर वन है कि सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3 इक्वल टू जीरो। ओके, तो आइए सोल्यूशन क्या होगा। सोल्यूशन अब इसका सोल्यूशन हमें निकालना है कि सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3 इक्वल टू जीरो। ओके, तो आइए इसको सोल्यूशन निकालते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3 इक्वल टू जीरो। तो हम क्या बोले थे, फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर फर्स्ट, कि फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है, 6x स्क्वायर इनटू 3 इक्वल टू कितना हो गया, 18x स्क्वायर। ओके, अब मैंने बताया था कि जब ये 18x स्क्वायर है तो इस 18 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। और इस 18 का प्राइम फैक्टर निकालने के बाद उस प्राइम फैक्टर में से हम वो वाले प्राइम फैक्टर सिलेक्ट करेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका, उसके मिडल टर्म के इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मिडल टर्म। कैसे, उन दोनों टर्म का सम करने पर वो मिडल टर्म के इक्वल होना चाहिए, एंड उसी दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन करने पर 18x स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। ओके ना, यहां पर 18x स्क्वायर है तो 18x स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं, 18 को हम ब्रेक करेंगे, 18x स्क्वायर, इसको हमने ब्रेक किया दो पार्ट में, इसका हमने फैक्टर निकाला, तो हमारे पास कितना आया, 9x और 2x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x स्क्वायर हो गया, और 9x और 2x को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 11x। तो हमारा जो मैंने कंडीशन बताया वो दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होना चाहिए। दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन करने पर कितना आना चाहिए, 18x स्क्वायर, और इन दोनों टर्म का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या, व्हाट, मिडल टर्म के इक्वल होना चाहिए। ओके, तो देख लीजिए, मैंने फर्स्ट केस लिखा क्या, 9x प्लस 2x कितना हो गया, 11x। हमने बताया था कि किस कंडीशन में एडिशन करते हैं और किस कंडीशन में सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो यहां पर हियर 9x प्लस 2x, 9x प्लस के साइन है
और 2x दोनों प्लस के साइन है, तो जब दोनों का सेम साइन होगा तो हम क्या करेंगे, उस केस में एडिशन करते हैं। ओके, अगर अपोजिट साइन होता है तो उस केस में सबट्रैक्शन करते हैं, ग्रेटर नंबर के साइन लेते हैं। लेकिन इस केस में क्या है, दोनों का सेम साइन है तो हम एडिशन करेंगे और ग्रेटर नंबर के साइन लेंगे। तो ग्रेटर नंबर क्या है, 9 है, 9 का साइन क्या है, प्लस है, तो आपको क्या होगा, प्लस के साइन 11x। एंड इसी दोनों टर्म के, इन बोथ टर्म का मल्टीप्लीकेशन करने पर कितना आना चाहिए, 18x स्क्वायर होना चाहिए। अगर होगा तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो चेकते हैं सेकेंड केस के लिए कि 9x इंटू 2x इक्वल टू 18x स्क्वायर। चलिए भी फुलफिल हो गया कि 9x और 2x का मल्टीप्लाई किया तो 18x स्क्वायर हो गया, और 9x प्लस 2x को ऐड किया तो 11x हो गया, जो कि मिडल टर्म के इक्वल हो गया। तो हम इसको ऐसे अरेंज कर लेते हैं। ओके, तो फिर लिखते हैं दिस इंप्लाई, क्या मेरा इक्वेशन है, 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाई हम मिडल टर्म को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। किस में ब्रेक करेंगे, टू टर्म में ब्रेक करेंगे। तो किस में, तो 6x स्क्वायर प्लस 9x और क्या लिखेंगे, 2x और प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, चलिए यहां तक तो आपको समझ में आ गया, यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। देन यहां लिखेंगे दिस इंप्लाई, अब देखिए इन दो नंबर का हम दो दो का पेयर बना लेते हैं। यहां पर भी दो नंबर का पेयर बना लिए, यहां पर दो नंबर के। उसके बाद मैंने बताया था इन नंबर में से कॉमन कैसे लेते हैं, विच नंबर ये टेकिंग कॉमन। तो कॉमन के लिए हमने बताया था कि कॉमन कौन सा नंबर लेंगे, जो ईच टर्म में नंबर प्रेजेंट होता है वो नंबर हम कॉमन लेंगे। अब देखिए हम फर्स्ट टू टर्म को सिलेक्ट करते हैं 6x स्क्वायर और 9x में, तीन दोनों x में, x तो कॉमन है, दोनों टर्म में x है, लेकिन उसके अलावा यहां पर क्या है, 3 है और 9 में भी 3 है। अगर हम 6 को ब्रेक करेंगे तो 6 ब्रेक होगा तो क्या होगा, 2 इंटू 3, और 9 को ब्रेक करेंगे तो 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9 और 2 3 जा 6। तो यहां पर भी 3 कॉमन है, यहां पर भी 3 कॉमन है, यहां भी 2 कॉमन है, यहां भी x कॉमन है, यहां भी x कॉमन है। ओके, तो यहां से मैंने क्या किया, 3x कॉमन ले लिया, 3x कॉमन लिया, तो क्या बचा, 2x प्लस 3 और प्लस, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो यहां पर 2x है, यहां पर 3 है, तो इन दोनों में तो क्या कॉमन है, तो अगर कुछ भी कॉमन नहीं तो हम एक 1 कॉमन लेंगे। तो इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन लेंगे, प्लस के 1, तो प्लस के 1 कॉमन लिए तो हमारे पास आ गया 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, देन दिस इंप्लाई इन यहां हियर 2x प्लस 3 इज ए फर्स्ट टर्म कॉमन एंड सेकेंड टर्म इज ऑल्सो 2x प्लस 3 इज ए कॉमन। तो यू टेक 2x प्लस 3 एंड फर्स्ट ब्रैकेट एंड देन सेकेंड ब्रैकेट इज 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया कि इसमें से फर्स्ट ब्रैकेट से कितना, फर्स्ट टर्म से 2x प्लस 3 कॉमन है और सेकेंड टर्म में भी 2x प्लस 3 है। तो हमने क्या किया, 2x प्लस 3 कॉमन ले लिया और यहां से फर्स्ट टर्म से 3x और सेकेंड टर्म से 1, तो आपके पास आ गया 2x प्लस 3 फर्स्ट ब्रैकेट में एंड सेकेंड ब्रैकेट में 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, फिर हम लिख सकते हैं देयरफोर 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, या हम लिख सकते हैं देयरफोर 2x प्लस 2x इक्वल टू माइनस 3 और 3x इक्वल टू माइनस 1। तो therefore x इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2 और x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3। तो therefore x इक्वल टू कितना आएगा, माइनस 3 बाई 2 कॉमा माइनस 1 बाई 3। तो आपका x के लिए सोल्यूशन आ गया। तो x के लिए हमारे पास आया x इक्वल टू माइनस 3 बाई 2 एंड माइनस 1 अपॉन 3। तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो अभी हमने फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए 3 मेथड मैंने आपको बताया हूं, जिसमें से 3 मेथड में से मैंने फर्स्ट मेथड से आज डिस्कस कर रहे हैं।
तो आइए इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है कि क्वेश्चन टू, रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट टू एक्स माइनस टू रूट थ्री इक्वल टू जीरो। ओके, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करिएगा। ओके, तो आइए दिस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो लिखते हैं सॉल्यूशन रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट टू, टू रूट टू एक्स माइनस टू रूट थ्री इक्वल टू जीरो। ओके, तो फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बोला था, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म कितना है, रूट थ्री एक्स स्क्वायर इंटू माइनस टू रूट थ्री। अब मल्टीप्लाई करिए, रूट थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, थ्री, और उसमें माइनस टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सिक्स, तो माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर। ओके, अब मैंने फिर वही कंडीशन, इसका प्राइम फैक्टर निकालना, प्राइम फैक्टर निकालने के बाद हम दो टर्म सेलेक्ट करेंगे, दो टर्म को सिलेक्ट करने के बाद उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिडल टर्म के इक्वल रखना है, फिर उसी दो टर्म को मल्टीप्लीकेशन करने पर क्या है कि आपका माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। ओके, तो आप कैसे इसको सिलेक्ट करेंगे, तो आइए हम लोग सिलेक्ट करते हैं, इसको हम ब्रेक करेंगे दो टर्म में। तो एक टर्म आपका होगा थ्री रूट माइनस थ्री रूट टू माइनस थ्री रूट टू एक्स एंड रूट टू एक्स। अब देखिए इन दोनों टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, और इन दोनों टर्म का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पर कितना आएगा, माइनस टू रूट टू एक्स। ओके, तो आपको थोड़ा सा प्राइम फैक्टर निकालना आना चाहिए, और प्राइम फैक्टर निकालकर थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना होगा कि कौन से उस प्राइम फैक्टर में से हमें नंबर को सिलेक्ट करना है। ओके, तो अगर हम फर्स्ट देखते हैं कि माइनस थ्री रूट टू एक्स और प्लस रूट टू एक्स, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस टू रूट टू एक्स। ओके, कि अब यहां भी देखिए हमने क्या बोला था कि अगर दो साइन अपोजिट नंबर के साइन होंगे, अगर दो नंबर में अपोजिट नंबर के साइन होंगे तो उस केस में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं या ग्रेटर नंबर के साइन लेते हैं। तो देखिए यहां पर थ्री माइनस थ्री रूट टू एक्स है और प्लस रूट 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 टू एक्स है, तो यहां पर ग्रेटर नंबर का साइन क्या है, माइनस का, तो हमने माइनस लिखा टू रूट टू एक्स। ओके, जो कि हमारे मिडल टर्म का इक्वल है, जो हमारा गिवेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस मिडल टर्म के इक्वल है। मिडल टर्म मेरा कितना है, माइनस टू रूट टू एक्स। कंडीशन फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गया, आइए सेकेंड कंडीशन देखते हैं। सेकेंड कंडीशन के लिए चेक करेंगे, माइनस थ्री रूट टू एक्स इंटू रूट टू एक्स, मल्टीप्लाई करिए तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ओके, तो यहां पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर। कैसे आया, रूट टू में रूट टू का मल्टीप्लाई करेंगे टू होगा, और माइनस थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, एक्स में एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर। तो आपका ये दोनों कंडीशन क्या हुआ, फुलफिल हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं। ओके, तो यहां से हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर हम उसको प्राइम फैक्टर से ब्रेक करेंगे, वो नंबर सेलेक्ट करेंगे जिसको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करने पर इस मिडल टर्म के इक्वल होना चाहिए, और उसका मल्टीप्लीकेशन करने पर कितना है, ए माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर के इक्वल हो। ओके, तो आइए लिखते हैं, दिस इंप्लाई रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट
2x और माइनस 2 रूट 3 इक्वल टू 0, या दिस इंप्लाई रूट 3 एक्स स्क्वायर। अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, मिडल टर्म को क्या लिखेंगे, 3 रूट 2 एक्स प्लस रूट 2 एक्स और माइनस 2 रूट 3 इक्वल टू 0। मैंने मिडल टर्म को अरेंज कर लिया। अब हमने दो दो टर्म का पेयर बना लेते हैं। क्या करेंगे कि यहां से दो दो टर्म का पेयर बनाएंगे, तो दो फर्स्ट टू टर्म का पेयर हो गया, अब फर्स्ट टू टर्म का पेयर हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। अब कॉमन चेक करेंगे कि कॉमन क्या है और यहां से कॉमन क्या है। तो हमें तो एक तो कॉमन एक्स दिख रहा है कि यहां पर हमारे पास दोनों टर्म में एक्स है, लेकिन फर्स्ट टर्म में रूट थ्री है और सेकेंड टर्म में रूट टू है, तो हम कॉमन कैसे ले सकते हैं। तो थोड़ा सा रीअरेंजमेंट हम कर लेंगे। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, पहले दिस इंप्लाई लिखे, हम क्या लिखेंगे रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस, ओके, हम रूट थ्री को क्या लिख सकते हैं, थ्री को हम लिख सकते हैं कि थ्री इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री और इंटू रूट टू एक्स। ओके, तो हम 3 को लिख दिया रूट थ्री इंटू रूट थ्री, और रूट थ्री इंटू रूट थ्री रूट अंडर 9, और रूट अंडर 9 का वैल्यू 3 होता है। ओके, प्लस रूट टू एक्स माइनस, फिर हम यहां थोड़ा रीअरेंजमेंट करेंगे। क्या करेंगे कि यहां पे यहां रूट टू है लेकिन यहां रूट थ्री है, तो हम रूट टू को हम फिर वही टर्म में लिख सकते हैं, रूट टू इंटू रूट टू इंटू रूट थ्री इक्वल टू 0। ओके, थोड़ा एक स्टेप और लिख लेते हैं। तो यहां से क्या हो गया, रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री इंटू, यहां दोनों को मल्टीप्लाई करके एक टर्म में लिख लेता हूं, तो ये हो गया 6x प्लस रूट अंडर 2x माइनस रूट टू इंटू रूट 6 इक्वल टू 0। ओके, तो यहां तक आपको समझ में आ गया, यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, अब हम लोग अब यहां से कॉमन लेंगे, तो यहां से क्या कॉमन आएगा, रूट थ्री, रूट थ्री एक्स और एक्स कॉमन हो जाएगा। यहां पर क्या कॉमन आएगा, रूट टू और रूट टू कॉमन आ जाएगा। ओके, तो यहां लिखेंगे दिस इंप्लाई रूट थ्री एक्स कॉमन लेंगे, तो यहां बचा एक्स माइनस रूट सिक्स, और यहां से कॉमन लेंगे प्लस रूट टू कॉमन लेंगे, तो यहां पर बचा एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू 0। ओके, देन दिस इंप्लाई, अब देखिए इन दो टर्म में से क्या है, एक्स माइनस रूट सिक्स, और रूट सिक्स क्या है, कॉमन है, तो लिखेंगे एक्स माइनस रूट सिक्स एक ब्रैकेट में एंड सेकेंड ब्रैकेट में रूट थ्री एक्स प्लस रूट टू इक्वल टू 0, या देयरफोर एक्स माइनस रूट सिक्स इक्वल टू 0 और रूट थ्री एक्स प्लस रूट टू इक्वल टू 0, या देयरफोर एक्स इक्वल टू प्लस के रूट सिक्स, और देयरफोर एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस रूट टू अपॉन रूट थ्री। ओके, थोड़ा रीअरेंजमेंट कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं देयरफोर एक्स इक्वल टू रूट सिक्स प्लस के, और इसका रीअरेंजमेंट करेंगे रेशनलाइजेशन विथ डिनोमिनेटर, तो देयरफोर एक्स इक्वल टू माइनस रूट टू इंटू रूट थ्री अपॉन रूट थ्री इंटू रूट थ्री, तो देयरफोर एक्स इक्वल टू रूट सिक्स और एक्स इक्वल टू माइनस सिक्स रूट अंडर सिक्स अपॉन थ्री। तो हमारा एक्स का वैल्यू है एक्स इक्वल टू रूट सिक्स कॉमा माइनस रूट सिक्स अपॉन थ्री, ये हमारा आंसर आ गया। तो एक्स इक्वल टू आया रूट सिक्स कॉमा माइनस रूट सिक्स अपॉन थ्री। तो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है IMP, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और आप ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड और सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और मैं आपको होमवर्क में भी बहुत सारे क्वेश्चन देने वाला हूं। तो ओके, बाय, थैंक यू।